हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सामान्य बचाव, सामान्य अपवाद, जिसमें हमने कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले सामान्य अपवाद को, सामान्य बचाव को पढ़ा था, जिसमें क्या क्या पढ़ा था। आर्टिकल 84 में हम लोगों ने पढ़ा था, यदि कोई पागल या चित्त विकृत व्यक्ति किसी अपराध को करता है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय वह किसी अवैध कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए अपराध करता है, उस समय उसके परिणाम एवं प्रकृति को जानने में वह असमर्थ नहीं होता है। इस वजह से 84 के अंतर्गत चित्त विकृत एवं पागल व्यक्तियों को क्या कर दिया गया है? अपवादिक कर दिया गया है। 85 मान ने क्या बताया था हम लोग को? अस्वैच्छिक मत्तता, यदि कोई व्यक्ति दूसरे की इच्छा से, दूसरे के दबाव में धोखा से कोई नशा वाला पदार्थ खा लेता है और उस नशे के प्रभाव में कोई अपराध कर देता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के अंतर्गत बचाव का भागी बनाया गया है। सामान्य अपवाद के अंतर्गत उसको अपवादित किया गया है। 86 में हमने क्या बताया था? स्वैच्छिक मत्तता, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नशा करता है और उस नशे के प्रभाव में कोई अपराध करता है तो न्यायालय मान कर चलेगा कि जो वह कार्य किया है उसको उसका उसको ज्ञान था कि हमने कौन सा कार्य किया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नशा करता है तो उसको हमें, अगर हम शराब पीते हैं तो हमें हमें ज्ञान है कि अगर हम शराब पियेंगे तो उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कोर्ट ये मान के चलता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक मत्तता किया, अपनी इच्छा से नशा किया है तो उसको यह ज्ञान था कि वह क्या कार्य किया है। अगर कोर्ट में नहीं साबित कर पाया तो उसे सजा मिलती है, अगर साबित कर दिया तो वो भी बचाव का भागी होता है। ठीक है, अगर साबित कर दिया कि हमने स्वैच्छिक मत्तता तो की थी लेकिन जिस दौरान वो अपराध किया था उस दौरान उसके प्रकृति एवं परिणामों को समझने में सक्षम नहीं थे। 86 था, हुआ था उस दिन। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 87। मृत्यु या घोर उपहति, घोर उपहति हम बताए थे ना क्या होता है? किसी का हाथ पैर दांत तोड़ देना, मतलब गंभीर चोटकारित कर देने को क्या कहते हैं? घोर उपहति। मृत्यु या घोर उपहति करने के आशय के बिना अठारह वर्ष से आयु, आशय के बिना 18 वर्ष से आयु के उम्र के अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मति से विधिपूर्ण तरीके से किए गए अपहान के लिए बचाओ चाहे। ये जो सम्मति है यह प्रत्यक्ष रूप से सम्मति देगी हो या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? विवक्षित रूप से। ठीक है, कह रहा है 1887 कि यदि कोई व्यक्ति जिनकी आयु कितनी है 18 वर्ष से ज्यादा है वो मृत्यु एवं घोर उपाधि करने के आशय के बिना, ठीक है, यदि किसी ऐसे कार्य को करने की सम्मति देता है जिस कार्य को करने से
किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या अपहानि कारित होती है तो वह व्यक्ति किसी अपराध एवं का अपराध का दोषी नहीं होता है। जैसे यदि दो व्यक्ति तलवारबाजी का खेल खेलते हैं, ठीक है, तलवारबाजी का दो व्यक्ति खेल खेलते हैं और वह खेल के नियमों के अंतर्गत विधिक रूप से खेल खेलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि जो खेल के नियम बताए गए हैं, हर खेल का क्या होता है, एक नियम होता है, नियमों का पालन करते हुए खेल खेलते हैं, लेकिन आपस में तलवारबाजी का खेल खेलते समय क्या हो जाता है, यदि एक दूसरे को चोट लग जाता है तो जिस व्यक्ति को चोट लगा होगा वह उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों 18 वर्ष से उम्र उनकी क्या थी, ज्यादा थी, उन्होंने अपनी सम्मति विवक्षित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दे दी थी कि अगर खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन करते हुए अगर खेल खेलने से किसी व्यक्ति को चोट कारित हो जाती है, क्षति कारित हो जाती है, तो वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होता है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 87 के अंतर्गत। लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक। जैसे हम आप फिल्म देखने जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग टिकट लेते हैं, टिकट लेके जाते हैं पिक्चर देखने, ठीक है, तो हम पिक्चर देखने जाते हैं और पिक्चर हॉल में बैठते हैं और जो पिक्चर दिखा रहा है, जो पिक्चर हॉल का मालिक है, वो मशीन का, जिस मशीन से पिक्चर दिखा रहा है, उस मशीन का विधि पूर्ण तरीके से सावधानी और सतर्कता पूर्ण तरीके से उस मशीन को चला रहा है, ठीक है, वो पहले से सावधानी और सतर्कता बरता भी हुआ है कि कहीं मशीन तो खराब नहीं है, उसके बाद पिक्चर वो दिखा रहा है, बीच में ही मशीन खराब हो जाती है, ठीक है, अगर बीच में मशीन खराब हो जाती है उसकी वजह से पब्लिक को मानसिक क्षति और आर्थिक क्षति कुछ होती है तो पब्लिक अब दावा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये पिक्चर हॉल का अप्रत्यक्ष नियम है, हमने विवक्षित सम्मति दे दी। इसी प्रकार से अगर हम क्रिकेट के मैदान में स्टेडियम में जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, स्टेडियम पूरा खुला पड़ा होता है, हम लोग कहीं जाके टिकट लेके और स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहे हैं और जो खिलाड़ी हैं क्रिकेटर वो खेल के नियमों का पालन करते हुए खेल खेल रहे हैं और उसी में किसी खिलाड़ी ने छक्का मार दिया और किसी पब्लिक के सर पे आके वो बाल गिर गई, उसका सर फूट गया, तो वह पब्लिक, वह नागरिक अब घोर उपहत्ति का दावा नहीं कर सकता है। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? सामान्य बचाव के अंतर्गत आ जाएगा। किस धारा के अंतर्गत? 87 के अंतर्गत। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो ही हमने स्टेडियम में खेल देखने के लिए टिकट लिया तो हमने जो उस स्टेडियम के नियम है उसकी क्या कर दी? विवक्षित सम्मति दे दी। टिकट लेते ही मैंने विवक्षित सम्मति दे दी। टिकट लेने का मतलब कि जितने नियम है उनका पालन करने का हमने क्या कर दिया? अप्रत्यक्ष रूप से सम्मति दे दिया, ठीक है। लेकिन उम्र कितनी होनी चाहिए इसके लिए? 18 वर्ष से ज्यादा। लिखो, इतना लिखे हो तुम लोग 87, तो समझ जाओगे ना इसे? अब लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, इतना सब लोग लिख लिए हो ना? नहीं लिखे हो तो लिखो, इसको तो लिख लो। लिखो धारा 87, लिखो मृत्यु या, जल्दी जल्दी पढ़ो बेटा, बहुत सिलेबस है तुम लोग का, मृत्यु या घोर उपाधि करने के आशय के बिना, लिखो जो नहीं लिखे हो, मृत्यु या घोर उपाधि करने के आशय के बिना यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष या विवक्षित मतलब क्या? प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप से वैध रूप से
कार्य करते हुए वैध रूप से कार्य करते हुए यदि किसी व्यक्ति को अपहानी या क्षति हो जाती है तब वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होता है अब देखो धारा 90 क्या है, अरे 88 क्या है, धारा 88 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या घोर उपाधि करने के आशय के बिना, इट मीन्स कि उसका आशय क्या है, किसी व्यक्ति का जान मारना, उसे चोट पहुंचाना, क्षतिकारित करना नहीं है, ऐसा उसके मन में दुराशय नहीं है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के आशय के बिना किसी व्यक्ति के भलाई के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति के भलाई के लिए उसकी सम्मति से, जिसकी भलाई करना चाहता है उसकी सम्मति से यदि कोई कार्य करता है उसके बचाव के लिए, उसके भलाई करने के लिए, लेकिन वैसा करने में दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट, कोई बच्चा है, ठीक है, उसको पेट में क्या है, स्टोन है या कोई उसको रोग है, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने कहा इसका तात्कालिक रूप से ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन इसकी जान जाने की क्या है संभावना है, लेकिन डॉक्टर का क्या आशय है, उसका मृत्यु कारित करना, उसको चोट पहुंचाना नहीं, डॉक्टर का क्या आशय है, उसको बचाना, उसका जीवन बचाना। अब यहाँ डॉक्टर उसकी सम्मति से, ठीक है, जिसको पीड़ा हो रही है उसकी सम्मति से, या वह अवयस्क है तो उसके गार्जियन से परमिशन लेकर ही उसका क्या करता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन फिर भी दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से वह व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है, तो उस व्यक्ति से संबंधित उसके घर वाले या कोई भी व्यक्ति उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अंतर्गत सामान्य अपवाद के अंतर्गत बचाव का भागी होगा, ठीक है। लिखो धारा 88, लिखो, इस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि मृत्यु या घोर उपहति करने के आशय के बिना यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का भलाई एवं जीवन बचाने के उद्देश्य से उसकी सम्मति से कोई कार्य करता है किंतु
दुर्घटना एवं दुर्भाग्यवश, किंतु दुर्घटना एवं दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना एवं दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह व्यक्ति कौन व्यक्ति जो कार्य करता है, जो बचाता है, तो वह व्यक्ति सामान्य अपवाद के अंतर्गत, तो वह व्यक्ति सामान्य अपवाद के अंतर्गत बचाव का, तो वह व्यक्ति सामान्य अपवाद के अंतर्गत बचाव का भागी होता है। और यही सेम चीज जो हम 88 में बता रहे हैं, यही सेम चीज धारा 92 में है, धारा 92 में है, लेकिन धारा 92 में वहां पर यह है कि वहां बिना सम्मति प्राप्त किए अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति को कोई चोट आती है या मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर भी कोई व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं होगा। भाई मान लो कोई जंगल में गया और उसको जंगल में जाने के बाद ऐसा परिदृश्य दिख रहा है कि एक व्यक्ति को बाघ उठाकर ले जा रहा है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को बाघ उठाकर ले जा रहा है, अब उसको लगता है कि जब तक हम गोली नहीं चलाएंगे तब तक उसका जान बचेगा नहीं, ठीक है। अब वहां पर उसके परिवार के तो कोई सदस्य है नहीं कि वो व्यक्ति पूछे कि हम गोली चलाएं कि नहीं उसका जान बचाने के लिए उस व्यक्ति का। अब उसको लगता है कि हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है अपनी जान बचाने की या दूसरे की जान बचाने की, तो वो उसके घर वालों के बिना सम्मति के क्या करता है, उसको बचाने के लिए गोली चला देता है, गोली चलाता है बाघ को मारने के लिए। गोली किसको लग जाती है, उसको लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर भी वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जा रहा है, मान लो उसका रास्ते में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, अब हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर उसके कोई गार्जियन नहीं है, अब डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वह उसके घर वालों से परमिशन ले और फॉर्म भरवाए कि इनका ऑपरेशन किया जाएगी नहीं किया जाए, ठीक है, और उसका जान बचाने के लिए क्या है, उसका तात्कालिक रूप से ऑपरेशन करना जरूरी है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वह व्यक्ति क्या करता है, उसका ऑपरेशन करता है और दुर्घटना और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति भी सामान्य अपवाद के अंतर्गत किस धारा में, धारा 92 के अंतर्गत बचाव का भागी होता है। 88 में वो सम्मति लेके कोई कार्य करता है, वही डॉक्टर ऑपरेशन करता है कैसे, उसके गार्जियन से या उससे सम्मति लेके। और 92 में वही चीज है, उसी तरीके के प्रकरण है, उसी तरीके की दृष्टांत है, उसी तरीके की घटनाएं हैं, लेकिन इसमें क्या है, बिना सम्मति के, उतना समय और अवसर है ही नहीं कि क्या किया जाए, परमिशन लिया जाए। और डॉक्टर का आशय क्या है, मृत्यु एवं घोर उपपत्ति करने का आशय नहीं है, उसका क्या आशय है, उसके जान बचाने की आशय है। तो ऐसे परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है जिससे कोई अपहानी या कोई अपराध कारित होता है, तो ऐसा व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत, 92 के अंतर्गत बचाव का भागी होता है, ठीक है। तो 88 हो गया ना, अब 89 देखो, शिशु या उन्मत्त, उन्मत्त मतलब पागल व्यक्ति होता है, ठीक है, चाहे जैसे भी पागल हो, शराब पी के पागल हो गया हो नशा में, उन्मत्त मतलब नशे में, नशे के अधीन होना। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के
लिए शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किए जाने वाले किसी अपहानि क्षति एवं अपहानि क्षति से बचाओ। शिशु जिसकी उम्र कितनी हो, 12 वर्ष से कम हो, 12 वर्ष से कम आयु के किसी भी शिशु के, ठीक है, या कोई पागल व्यक्ति है, उसके लाभ के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए उसका गार्जियन, उसका संरक्षक, जो उसके पालने वाले हैं, स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसका टीचर, अगर उसके लाभ के लिए कोई कार्य करता है और दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से क्या होता है, कोई अपहानि एवं क्षति हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा संरक्षक, अभिभावक या कोई भी व्यक्ति जो शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए बिना मृत्यु या उपाधि कारित करने के आशय के बिना, इट मीन्स कि उसके भलाई के लिए यदि कोई कार्य करता है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होता है, ठीक है। जैसे गार्जियन है, अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो गलती करता है, डराने धमकाने के लिए उसको क्या करते हैं, एक तो थप्पड़ मारते हैं, और एक दो थप्पड़ मारने से वो लड़का क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, बहुत लोग मिर्गी के पेशेंट होते हैं या बहुत बच्चे ज़्यादा इमोशनल होते हैं, नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो अगर गार्जियन का या किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार का दुराशय नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसको चोटकारित हो जाए, उसका क्या आशय है कि इसको डांट दें, एक दो थप्पड़ लगा दें कि यह व्यक्ति, ये बच्चा क्या हो जाए, सुधर जाए, इसके अंदर सुधारात्मक प्रवृत्ति आ जाए, आगे इस तरीके की कोई गलती ना करे। तो चाहे गार्जियन, चाहे कोई भी व्यक्ति, स्कूल का टीचर हो, अगर बच्चे के अंदर अनुशासन ले आने के लिए, उसकी भलाई के लिए कोई कार्य करता है और दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से उसे कोई अपहानि एवं क्षति हो जाती है जो देखने में आपराधिक लगता है, तो वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बचाव का भागी होता है। लेकिन उसको भी कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारा कोई ऐसा आशय नहीं था, और यही काम क्या होता है, सबसे मुश्किल होता है, साक्ष्य प्रस्तुत करना न्यायालय में क्या है, सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि आजकल तो साक्ष्य बिक जाते हैं, गवाह बिक जाते हैं, दूसरे पार्टी से जाके मिल जाएंगे, कहेंगे कि इतना पैसा हमको दीजिए तो हम गवाही नहीं देंगे। कानून अंधा है क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिना एविडेंस के कानून कुछ नहीं करेगा। न्यायाधीश न्यायालयों में, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायाधीश हो, निर्णय सिर्फ साक्ष्य के आधार पर देते हैं। यदि उसके सामने रिटन साक्ष्य या ओरली साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है तो जानता है भले न्यायाधीश, उसको पता है कि ये काम हुआ है, ये अपराध है, लेकिन अगर उसके सामने साक्ष्य नहीं है तो न्यायाधीश जानते हुए भी दंड नहीं दे सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, कानून अंधा होता है। तो उस बच्चे के संबंधित जो व्यक्ति यदि वाद दाखिल करते हैं कि स्कूल के टीचर ने क्या किया, हमारे बच्चे की जान ले ली, इसलिए ये भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी हैं, तो टीचर क्या करेगा, 89 के अंतर्गत क्या करेगा, बचाव करेगा। उसका वकील जीरा में कहेगा कि साहब, जो हमारे क्लाइंट हैं, टीचर हैं, उन्होंने उस बच्चे के अंदर अनुशासन ले आने की भावना के लिए क्या किया था, एक दो थप्पड़ लगाया था, अब दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। तब उस टीचर को, उस वकील को वहाँ क्लास में उस समय जो अन्य बच्चे हों चाहे अन्य लोग हों, उनको गवाह के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर गवाह नहीं प्रस्तुत कर पाया तो बच नहीं पाएगा, ठीक है। 89 क्या कहता है, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किए जाने वाले किसी अपहानि क्षति से बचाओ। इसको लिख लिए सब लोग, लिखवाना पड़ेगा, लिख लिए हो ना, लिखवाएं, आगे चलें।
जहां लिखवाने लायक होगा हम खुद लिखवा देंगे, ठीक है। धारा 90 कहता है तथ्य या भ्रम तथ्य भ्रम या बेमानी पूर्ण आशय से दिया गया सम्मति अभी ऊपर हमने आपको कई जगह बताया कि जहां पे सम्मति प्राप्त करना क्या है आवश्यक है। जैसे 88 में बताया कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां उसके गार्जियन है तो वो उससे सम्मति लेके अगर ऑपरेशन करता है तो सम्मति शब्द 89 में भी सम्मति शब्द आया है ना। तो जहां जहां सम्मति शब्द आया है आगे आएगा अभी उसका मतलब कैसी सम्मति है, विधिपूर्ण सम्मति, विधि पूर्ण सम्मति। और विधि पूर्ण सम्मति कौन सी होती है, जो तथ्य एवं भ्रम के अधीन ना दी गई हो, जो किसी से जबरदस्ती ना प्राप्त किया गया हो, बेमानी पूर्ण आशय से प्राप्त ना किया गया हो, जो किसी को धमकी देकर सम्मति ना प्राप्त की गई हो। तो जहां जहां पर सम्मति शब्द आया उसका मतलब क्या है, तथ्य एवं भ्रम के अधीन न दी गई संपत्ति, दबाव में धमकाकर डराकर न प्राप्त की गई सम्मति, असम्यक असर के अधीन न प्राप्त की गई सम्मति। असम्यक असर क्या होता है, असम्यक असर का मतलब होता है यदि कोई पद में बड़ा हो, ठीक है, अब कांस्टेबल है उससे पद में कौन बड़ा होगा, उसका ऊपर का अधिकारी क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसका ऊपर का अधिकारी जो भी उससे कहेगा वो क्या करेगा, असम्यक असर के प्रभाव में करेगा ही, कि हमारे एसपी साहब कह रहे हैं तो हमको करना है। तो यदि कोई ऊपर का अधिकारी या कोई गार्जियन, ठीक है, अपने नीचे के बच्चे से या अधिकारी नीचे के लोक सेवक से असम्यक असर के प्रभाव में, असम्यक असर मतलब क्या, बेमानीपूर्ण असर, बेमानीपूर्ण प्रभाव, अनुचित दबाव के प्रभाव में किसी व्यक्ति से सम्मति प्राप्त करता है, तथ्य एवं भ्रम देकर सम्मति प्राप्त करता है, तो ऐसी सम्मति विधिपूर्ण सम्मति नहीं होती है। यही बात 90 में बताई गई है कि तथ्य एवं भ्रम के अधीन दी गई सम्मति के अंतर्गत किया गया कोई कार्य बचाव के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। लिखो धारा 90। इस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि तथ्य या भ्रम के अधीन बेमानीपूर्ण आशय के साथ डरा धमकाकर तथा असम्यक असर के प्रभाव में यदि कोई सम्मति प्राप्त की जाती है, तो वह विधिपूर्ण सम्मति नहीं होती है, विधिपूर्ण सम्मति नहीं होती है
तथा तथा ऐसे सम्मति से किए गए कार्यों के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति सामान्य अपवाद के अंतर्गत बचाव का भागी नहीं होता है। देखो धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है ऐसे कार्यों का अपवर्जन एक्सक्लूड करना ठीक है। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है, ठीक है। तो ऐसे कार्य सामान्य बचाव के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि गर्भपात कारित करना। इट मीन्स क्या, समय पूर्व किसी बच्चे को मार देना। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और वहां क्लिनिक वाले को पैसा देके पता कर लेते हैं कि जो भ्रूण बना है वो क्या है, लड़के का है कि लड़की का है। पता चलता है लड़की है तो उसको लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। तो इस तरीके का कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है, ठीक है, भले उससे कोई अपहानि नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ है, अपनी मर्जी से एबॉर्शन कराते हैं, ठीक है, और किसी को पता चलता है कि उन्होंने एबॉर्शन करवाया और किसी ने पुलिस में सूचना दे दी, तो वहां वह व्यक्ति यह नहीं कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ कि हमने अपनी सम्मति से एबॉर्शन करवाया है इसलिए हम किसी अपराध के दोषी नहीं है, हमने सम्मति ले ली थी एक दूसरे की, इसलिए हम सामान्य बचाव के अंतर्गत अपवाद के भागी हैं क्योंकि हम दोनों ने क्या किया था, सम्मति से कार्य किया था। ऐसा वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि धारा 91 कहता है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी, अब पति पत्नी सम्मति से भाषण कराए हैं, उनको कोई अपहानि नहीं हुई है, उनके जानने में नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने सम्मति से किया। वो सोचे होंगे लड़की होगी, चलो पैसा लगेगा शादी में, पढ़ाने लिखाने में इतना खर्च लगेगा, तो उनके समय से कोई अपहानि नहीं है। लेकिन विधि के द्वारा ऐसे कार्य को क्या किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है। गर्भपात कारित करना, भारतीय दंड संहिता की धारा 314 जब हम पढ़ाएंगे आपको मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, तो वहां इस अपराध को भी पढ़ाएंगे, इसके लिए कितना दंड है ये भी बताएंगे। तो ये जो कार्य है ये क्या है, स्वतः अपराध है। विधि ने गर्भपात कारित करने को क्या किया है, अपराध घोषित कर दिया है। तो अगर कोई कहे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमने सम्मति से क्या किया है, एबॉर्शन करवाया है, हम सामान्य बचाव के अंतर्गत भागी हैं, डॉक्टर कहे कि हमने तो इन्होंने इनकी परमिशन से इनका एबॉर्शन किया है, तो डॉक्टर साहब भी जेल जाएंगे, उनको भी सम्मति का बचाव
नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब कब बचेंगे? बस तब बचेंगे जब उस महिला का गर्भपात कारित करना उसका जान बचाने के लिए आवश्यक था। मान लो पेट में ही बच्चा मर गया हो तो वैसे कंडीशन में क्या है, उसका अभिभाषण करना, बच्चे को निकालना जरूरी है। तो बस ऐसे कंडीशन में डॉक्टर साहब और नर्स और दाई बचाव के भागी होंगे, नहीं तो इस षड्यंत्र में जितने लोग सम्मिलित होंगे वो इस अपराध के लिए दोषी होंगे। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने तो सम्मति से ये कार्य किया था इसलिए हम अपराध के भागी नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्य क्या है, स्वतः अपराध है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, समझ गया कि लिखाना पड़ेगा, लिखो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य सम्मति से ही करता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य सम्मति से ही करता है तथा उस कार्य से कोई अपहानि भी कारित नहीं हुई है। अपहानि मतलब क्या होता है, नुकसान। तथा उस कार्य से कोई अपहानि भी कारित नहीं हुई है, जैसे यदि कोई पति पत्नी गर्भपात कारित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति इस बचाव के भागी नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस बचाव के भागी नहीं होते हैं कि उन्होंने सम्मति से कार्य किया है, क्योंकि ऐसे कार्य भारतीय दंड संहिता के धाराओं के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, इसमें कई धाराएं हैं, 312 है, 13 है, 14 है। अब लिखो धारा बांधे बताए थे ना 88 वाला उदाहरण, तो बस एक लाइन लिख लो धारा बांधे। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या घोर उपहति करने के आशय के बिना उसका जीवन एवं रक्षा करने के उद्देश्य से उसका जीवन बचाने एवं रक्षा करने के उद्देश्य से उसकी सम्मति के बिना भी कोई कार्य करता है, तो वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी
दुर्घटना एवं दुर्भाग्यवश, दुर्घटना एवं दुर्भाग्यवश किसी अपहानि के कारण नहीं होता है, किसी अपहानि के कारण नहीं होता है, दुर्घटना एवं दुर्भाग्यवश अपहानि के कारण किसी अपराध का दोषी नहीं होता है। अब लिखो धारा 93, धारा 93 लिखो, लिखो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सद्भावना पूर्ण एवं सावधानी पूर्ण तरीके से सद्भावना पूर्ण एवं सावधानी पूर्ण तरीके से कोई सूचना देता है और ऐसी सूचना प्राप्त करने पर दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति को कोई अपहानि या मृत्युकारित हो जाती है तो वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होता है। सामान्य बचाव के अंतर्गत अपवादित होता है। जैसे कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से कहता है कि आपको कैंसर एड्स हो गया है, ठीक है, कहता है कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से कि आपको एड्स हो गया है, और डॉक्टर का कोई ऐसा आशय नहीं था कि इनको हम बताएंगे तो इनका हार्ट फेल हो जाएगा, वो मर जाएंगे। डॉक्टर साहब ने सद्भावना पूर्ण तरीके से, ठीक ना, सावधानी बरतते हुए उनको पूरा समझा बुझा कर सूचना दिया है कि आप घबराइए मत, अब एड्स क्या है, क्यूरेबल है, इसकी भी दवा है, जिसको एड्स होता है वो भी जिंदा रहते हैं, अपना जीवन यापन दवाइयों के बल पे करते हैं। लेकिन दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से उनको ऐसा सुनते ही क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है वहां पर ही, तब उनके घर वाले डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, हमारे पेशेंट को मार डाला। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर पेशेंट से बताएगा नहीं तो पेशेंट फिर अपना क्योर कैसे करेगा, अपनी क्योरेबल एक्टिविटी को कैसे करेगा, जो उसको अपने बचाव के लिए करना चाहिए वो कैसे करेगा। तो ऐसे कार्यों से भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत, 93 के अंतर्गत ऐसे परिस्थितियों में दी गई संसूचनाओं को क्या किया गया है, सामान्य बचाव के अंतर्गत अपवादित किया गया है। ऐसे व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी जाती है यदि वह कोर्ट में साबित कर दे कि हमने सद्भावना पूर्ण तरीके से, सतर्कता पूर्ण तरीके से उसको उसकी भलाई के लिए संसूचना दिया था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्ण दी गई संसूचना से बचाव के बारे में प्रतिपादित किया गया है, किस धारा के अंतर्गत, 93 के अंतर्गत। अब दो धाराएं और बच गई हैं, कल बता के कल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और बॉडी हम लोग स्टार्ट करेंगे।